तो ना आज हम लोग ICDS योजना जो भी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है। तो योजना 1975 में भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इससे पहले देश में अलग अलग जगह छोटे छोटे बाल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, जिससे विकास का सही स्तर प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी योजना की आवश्यकता हुई जिसने पूरे देश में बालकों के विकास व आवश्यकता को ध्यान दिया जा सके, चाहे वो किसी भी प्रांत जाति व वर्ग के हों। देशव्यापी ICDS योजना शुरू की गई, जल्दी से एक सफल योजना बन गई और देखा जा सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। पहला तो ये कि 6 साल के बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों का स्वास्थ्य स्तर सुधारना, टीकाकरण व पोषण स्तर सुधारना, मनोविज्ञानिक शारीरिक सामाजिक गुणों का विकास करना, बालकों को प्राथमिक शिक्षा देना, गर्भवती माताएं धात्री माताओं का पोषण स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं ज्ञान देना, मातृ व शिशु मृत्यु दर कम करना, ये सब इम्पोर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत 1000 ऐसे प्रोजेक्ट खोले जा चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी खोली गई है, जिसमें महिलाएं खेतों पर जाते समय बालकों को यहाँ छोड़ जाती हैं और यहाँ ग्राम सेविकाएं बालकों की देखरेख करती हैं। यहाँ इनको खेल में अच्छा ज्ञान, अंकों की पहचान कराई जाती है। दोपहर में सुलाया जाता है और 11 बजे पौष्टिक आहार दिया जाता है। टीकाकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है और 15 बालकों पर एक बाल सेविका देखभाल करती है। इम्पोर्टेंट, कितने बच्चों पर? 15 बालकों पर। ICDS से लाभान्वित होने वाले लोग गर्भावस्था से लेकर 6 वर्ष के बालक, किशोरियां, 45 वर्ष तक की महिलाएं, गर्भावस्था व धात्री माताएं जो हैं इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना के अंतर्गत दिए जाने सुविधाएं तो गर्भवती व धात्री माताओं को पोषण, 3 वर्ष के छोटे बालकों को पूरक आहार, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील, टीकाकरण ज्ञान व सुविधाएँ, स्वास्थ्य शिक्षा व चेकअप। इन सुविधाओं का लाभ 40 से लेकर 50% तक जरूरतमंद बालकों को पहुँचा चुका है। माताओं को निरंतर स्वास्थ्य टीकाकरण परिवार नियोजन, इसके लाभों के बारे में बताया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क टीवी, सिनेमा, रेडियो, प्रचार के माध्यम द्वारा बताया जाता है और ग्राम सेविकाएं, महिला मंडल भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक की देखभाल में माता के अलावा भी लोग योगदान देते हैं। उनका प्रभाव बालक पर पड़ता है, चाहे वो परिवार के हों चाहे बाहर के हों। तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप देख लीजिएगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन लोग लाभान्वित होते हैं, क्या सुविधा दी जाती है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं जो बनते हो कब शुरू की गई। यही 3 पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।